नमस्कार किसान भाइयों, आर्किबिडस में आपका पुनः स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, यह डीपी क्रॉस का मेल बर्ड है। यदि इसके डे की बात करी जाए तो आज इसको 46वें दिन हो चुका है। 46वें दिन यदि इसके मोर्टिलिटी रेशो की बात करी जाए तो अभी तक मात्र 10 इसकी मोर्टिलिटी रेशो हुई है। देखा जाए तो अभी सिर्फ नाक बराबर मोर्टिलिटी रेशो है। 246 बर्ड पाले हुए थे जिसमें से 236 बर्ड लगभग हैं। आप देख सकते हैं कि मुर्गा की केस काफ़ी शानदार और काफ़ी ज़ोरदार आ रही है। डीपी क्रॉस बर्ड की ये खासियत रहती है, इसकी केस और कलगी काफ़ी शानदार रहती है। मुर्गा हमेशा अपना केस और कलगी के कारण बिकता है। आज मैंने इसको शीशम की पत्ती डाली। शीशम की पत्ती डालने का कारण यह रहता है, मेरे पास क्योंकि फ्री रेंज की व्यवस्था नहीं है, मैं छत के ऊपर पाला हूँ इसीलिए मैंने इसको शीशम की पत्ती डाली है। क्या रहता, फ्री रेंज में यह कुछ ना कुछ टोंचता खनोचता रहता है, कीड़े मकोड़े खाता रहता है, जिसके कारण इसकी शाइनिंग बरकरार रहती है। लेकिन छत पर पालने के कारण यह करता रहता है, इसको किसी प्रकार की टोंचने खरोंचने की चीज़ें नहीं मिलती है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे कि यह रस्सी लगी है, यह रस्सी को ही टोंचता खरोंचता रहता है, क्योंकि इसकी चोंच में जो किसकिसाहट रहती है उसके कारण इसको कुछ ना कुछ टोंचने खरोंचने के लिए चाहिए। इसीलिए आप यदि ऐसे क्षेत्र में पाल रहे हों जहाँ पर फ्री रेंज की व्यवस्था ना हो, तो ऐसा कर सकते हैं कि आप शीशम की पत्ती डाल सकते हैं, मुनगा की पत्ती डाल सकते हैं, बरसीम डाल सकते हैं, चरी डाल सकते हैं, मेथी डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, फूल गोभी डाल सकते हैं, पत्ता गोभी डाल सकते हैं। इस प्रकार सुबह सुबह कुछ भी डाल दें, उससे यह रहेगा इसके अंदर जो तनाव जो स्ट्रेस रहता है गर्मी के कारण वह दूर हो जाता है। और दूसरी बात, इसमें जो जैसे कि यह रस्सी टोंच रहा है, इसमें यह प्रवृत्ति रहती है मुर्गे में कि ये कुछ ना कुछ टोंचता या पैर से पंजे से खुरूदता रहता है। तो शीशम की पत्ती या कुछ भी पत्ती डालने से यह रहेगा, यह पत्तियों को टोंचता रहेगा, खाता रहेगा। और दूसरी बात इससे यह रहेगा, इससे प्रोटीन और मिनरल्स की मात्रा भी, इसको किसी प्रकार की पत्ती खा लाए तो उसमें किसी न किसी प्रकार का प्रोटीन और मिनरल रहता है, तो उसको प्रोटीन और मिनरल भी रहता है। और जो इसमें टोंचने खुरोचने, जैसे कि ये देख सकते हैं पीछे से टोंच रहा है, मतलब हल्का हल्का जो पंख चल रहे हैं, तो यह समस्या का भी समाधान हो जाता है। इसीलिए सुबह सुबह इसको आप चाहें तो 8-9-10 बजे इस बार शीशम की पत्ती या किसी प्रकार की मेथी की भाजी, पालक की भाजी, किसी प्रकार की चीज़ें डाल दें, ताकि यह टोंचता और खरोंचता रहे और अपने एक दूसरे बट को टोंचे खरोंचे ना। इस प्रकार 46वें दिन का मैनेजमेंट किया है। वर्तमान समय में टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है, 38 से 40 डिग्री जा रहा है, इसीलिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था कर रखा हूँ। सुबह के समय एक बार पानी भरने के लिए आता हूँ, 3 डेंकर के बर्तन रखता हूँ, उसमें ऑस्टोवेट प्लस विम्ब्रॉल मिला रहा हूँ, ताकि इसमें किसी प्रकार का प्रोटीन विटामिन की कमी न रहे। आप देख सकते हैं कि मुर्गा काफ़ी शानदार और की केस काफ़ी अच्छी और काफ़ी ज़ोरदार आई हुई है। स्क्रीन पर देख सकते हैं 46वें दिन का मैनेजमेंट देखा जाए तो अभी तक किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लगी हुई है। मात्र हल्का सा 2-3 बर्ड में जो रहता था पतली पीठ की समस्या थी, वो मैंने मेट्रोजेल के द्वारा सॉल्व कर दी थी। 46वें दिन अगर इसके बॉडी वेट की बात करी जाए तो जो सबसे वजनदार मुर्गा है वो लगभग 800 ग्राम हो गया होगा, और जो सबसे कम है वह लगभग 400 ग्राम हो चुका होगा। अभी इसको ऑस्टोवेट ताकि विम्ब्रॉल दे रहा हूँ, ताकि इसकी जो शाइनिंग है, चमकदार है, यह बरकरार रहे और यह एक दूसरे को खरोंचे वरोंचे ना, नहीं तो इसकी जो पीछे से शाइनिंग है वह चली जाएगी, तो फिर मुर्गा बेचने में दिक्कत जाएगा। अभी देखता हूँ, अगर कुछ ना कुछ होता है तो कुछ धीरे धीरे करके इसको थोड़ा सा सेल करना चालू कर देंगे। जो मुर्गा 1-1 किलो का हो जाएगा उसको हम सेल करना चालू कर देंगे। हमारे द्वारा एक दिन से लेके 1 kg तक का वीडियो बनाया जाता है। जो मेरे युवा किसान भाई हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको नई नई जानकारी देता रहता हूँ। जैसे कि आप यदि अंडे के लिए पर्पस पालें तो बरसात शुरू होने के 5 महीने यानी कि ये 5 महीने पहले पालें, उसका कारण यह रहता है कि मुर्गी हमेशा 150 दिन में अंडे देना चालू करती है। 150 दिन पहले इसीलिए हमेशा 150 दिन पहले पालें, जैसे ही बरसात होगी तो वह अंडा देना चालू हो जाएगी। ये बरसात में और ठंड में, दो मौसम में अंडा सबसे ज़्यादा बिकता है। यदि आप चिकन पर्पस से पालें तो ऐसे समय पालें जिस समय जैसे होली है, होली के 3 महीना पहले पालें। यदि नौदरगाह है तो उस समय उसके पहले पालें, 2-2.5 महीना पहले पालें। उसमें क्या रहता है, काली मुर्गियों की अधिक डिमांड रहती है, उस समय आप डीपी क्रॉस पाल सकते हैं, उसमें काली मुर्गी अधिक डिमांड रहती है। हमेशा कैलकुलेशन करके पालें कि किसी प्रकार का त्यौहार नहीं फंसे। जैसे ही आपका माल तैयार हो उस समय किसी प्रकार का कोई त्यौहार नहीं फंसे, नहीं तो उस समय फिर क्या है, बेचने में बहुत समस्या और दिक्कत आ जाती है। हमेशा ध्यान रखें, ऐसे समय पालें, आप हमेशा याद रखें, कम से कम हम 80 से 85 दिन का कैलकुलेशन करके चलें।
कि आपका बट जब तैयार होगा तो किस समय बेचने लायक होगा, उस समय किसी प्रकार का कोई त्यौहार तो नहीं है। इस प्रकार कैलकुलेशन पालें तो आपको मुर्गी पालने में किसी प्रकार का घाटा नहीं लगेगा, नहीं तो आपको मुर्गी पालने में आप जब चाहें जब बच्चे डाल दें तो और कैलकुलेशन नहीं करें तो आपको मुर्गी पालन में बहुत ही घाटा लगेगा। इसीलिए कैलकुलेशन के हिसाब से पालें और त्योहारों को देख के पालें। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आरके ब्रीडर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।